नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जान लीजिए क्या है सुर्खियां। आज हम बताएंगे कि अपने जन्मदिन के दिन शिवपाल यादव ने क्या बड़ा राजनीतिक ऐलान किया है और कैसे मनाया अपना जन्मदिन। हम ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी को चीनी एजेंट कहने पर कहां प्रतिवाद दायर हुआ है और कहां बीजेपी के एक और बड़े नेता ने फिर ऐसी ही आपत्तिजनक बातें कही हैं। और साथ साथ हम वो वीडियो भी दिखाएंगे कि कैसे विकलांगों को अपना सर्टिफिकेट बनाने के लिए अस्पताल के पहले तल्ले तक जाना पड़ता है। तमाम खबरें आज का यूपी। समाजवादी नेता शिवपाल यादव का आज जन्मदिन। शिवपाल यादव का जन्मदिन आज कई जगहों पर मनाया गया, लेकिन अपने जन्मदिन के दिन शिवपाल यादव ने यूपी तक से खास बातचीत, और इस खास बातचीत में उन्होंने कई बड़ी और अहम सियासी बातें कह डाली। शिवपाल यादव ने कहा कि वो अब गैर भाजपावाद की तरफ बढ़ रहे हैं और सभी दलों को मिलकर बीजेपी को हराने के लिए एक होना चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात जो उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर कही वो ये कि जब तक परिवार में एकता नहीं होगी समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं हो सकती, और ये सब कुछ अगर किसी को करना है तो वो खुद अखिलेश यादव को करना है। शिवपाल यादव ने ये भी कहा कि वो त्याग करने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए पहल उन नेताओं को करनी होगी, यानी कि सीधे सीधे अखिलेश यादव की तरफ इशारा था जिनके हाथ में कमान है। शिवपाल यादव ने कहा कि वो चाहते हैं कि एक बड़ा ब्लॉक तैयार हो बीजेपी के खिलाफ और उसमें सभी पार्टियां शामिल हैं। सुनिए क्या कहा है शिवपाल यादव। हम चाहते हैं कि समाजवादी से हमारा सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस है समाजवादी पार्टी से अलायंस हो, लेकिन आप देख ही रहे उसमें कुछ अड़चन डालने वाले लोग हैं। अड़चन डालने वाले वो कौन है? इस बात में कौन लोग? इस बात में आप लोग पता लगाइए, मुझे बताइएगा अभी, और हमें बताओगे तो हमारा सहयोग होगा इसमें, और सब लोग जानते भी हैं और उसमें हमें बताने की जरूरत नहीं। आज हम आपको एक वायरल वीडियो दिखाने जा रहे हैं। पहले आप इस वायरल वीडियो को देखिए। ये वायरल वीडियो भदोही के जिला अस्पताल का है, जिसमें जिला अस्पताल के पहले तल्ले पर एक मेडिकल कैंप लगाया गया है और जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए विकलांगों को ऊपर आना है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के वायरल होते ही हंगामा मच गया। दरअसल इस वीडियो में कई विकलांग दिव्यांग ऐसे हैं जिन्हें अपना विकलांग या दिव्यांग सर्टिफिकेट लेने के लिए अस्पताल के पहले तल्ले पर जाना पड़ रहा है और वो लाचार उन सीढ़ियों पर चढ़ने को मजबूर है। किसी भी दिव्यांग को अगर मेडिकल सर्टिफिकेट दिव्यांगता का चाहिए तो उन्हें अस्पताल के पहले तल्ले पर ही जाना पड़ रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद हंगामा मच गया। जिले की जिलाधिकारी ने कहा कि वो इस पूरे मामले की जांच कराएंगी कि आखिर विकलांगों को पहले तल्ले पर सीढ़ियों पर चढ़ने को क्यों मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन एक बात साफ है कि अगर ऐसे वीडियो सामने नहीं आए तो शायद इनकी परेशानी भी लोगों तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि अस्पताल की तरफ से कोई सफाई सामने नहीं आई है, लेकिन इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि आखिर कैसे इन विकलांगों को अपनी विकलांगता दिखाने के लिए अस्पताल की सीढ़ियों पर चढ़ना इनकी मजबूरी बना था। बनारस में कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को चीनी एजेंट कहे जाने के खिलाफ बीजेपी नेता मनोज तिवारी के खिलाफ एक प्रतिवाद दायर किया है। उनके खिलाफ बनारस की एक अदालत में मामला दर्ज किया है। कुछ दिन पहले मनोज तिवारी ने राहुल गांधी को चीनी एजेंट करार दिया था। हालांकि ऐसे मामलों से, ऐसे प्रतिवाद दायर करने से भी बीजेपी नेता रुक नहीं रहे। विनय कटियार ने फर्रुखाबाद में एक बार फिर इसी बात को दोहराया है और राहुल गांधी को फिर से चीनी एजेंट कह दिया है। कांग्रेसियों में राहुल गांधी के प्रति ऐसी भाषा को लेकर बेहद ही रोष है। कई जगहों पर मामले दायर किए जा सकते हैं और वाराणसी में तो एक मामला बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के नेता के खिलाफ दायर भी हो चुका है। लेकिन अब
जगह जगह बीजेपी के बड़े नेता राहुल गांधी के खिलाफ ऐसी बातें लगातार कह रहे हैं। पिछले 24 घंटे के इन तमाम अहम खबरों को समेटे ये था हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।